गाइज, मुझे लॉन्ग वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। बहुत दिन से शॉर्ट वीडियो बना रही थी, आज थोड़ा सा टाइम मिला। सुबह सुबह मैं ये फूलों के साथ बात किया, फूलों का नाम बताया और नंगनल जी मेरे साथ में खड़े हैं। नंगनल जी को जल्दी हो रहा है अंदर जाने का और नंगनल जी काम करते रहते हैं नीचे नीचे। आप लोगों को बोर भी हो गया होगा, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ऐसा किया वैसा किया करके। मुझे अपना मेहनत शेयर करने का अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बना दिया। गाइस, दूसरा ब्लॉग में मिलेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक है। आज सुबह सुबह मूड बन गया, उठते सुबह उठ के चाय पिया, उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी धूप आई है, मैं बरंदा से बालकनी से ब्लॉग बना रही हूँ। अभी धूप आ गए, चाय पीते पीते क्या ख्याल आया मुझे, आज लॉन्ग वीडियो बना। बहुत दिन से लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया, तो आज मेरा मूड बन गया लॉन्ग वीडियो बनाने का, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। शॉर्ट वीडियो तो बहुत ज़्यादा बना दिया, लेकिन आज लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। आप लोग को पसंद आ गया तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरा ब्लॉग लॉन्ग वीडियो के लिए हर सुबह बनाती रहूँगी। अभी सुबह सुबह मैं फूलों के बारे में बताने वाली हूँ, अभी बालकनी से बोल रही हूँ। आज मैं फूलों का नाम बता रही हूँ। बहुत दिन से मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया, तो आज सुबह सुबह मूड बन गया लॉन्ग वीडियो बनाने का। और ये है मनी प्लांट, इंडोर प्लांट है, ये मैंने अंदर बो रखा है और अच्छे पत्ता हो रखा है। अंदर बोने से बहुत बढ़िया पत्ता हो जाता है, बाहर बो के तो सब पीला पीला हो जाता है, इसलिए मैंने अंदर बो रखा है। कुछ प्लांट बाहर बो रखा है मनी प्लांट का, वो पीला हो गया, अभी ये प्लांट अच्छा दिख रहा है। सब लोग ऐसे मनी प्लांट बोते रहिए और सबको अच्छा लगता है फूल बोना, मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोग भी अच्छा लगता होगा। ऐसे अंदर बोने से अच्छा होता तो मैंने अंदर बो रखा है, बहुत प्लांट मैंने अंदर बो रखा है, आप लोग को दिखाती हूँ। बाहर भी बो रखा है, अंदर भी बो रखा है। ये है स्नेक प्लांट, मैंने अंदर भी बो रखा है, बाहर भी बो रखा है। अंदर बोने से बढ़िया हो जाता है, इसलिए मैंने अंदर बो रखा है। ये एक पौधा से इतने पौधा बन गया। और मनी प्लांट यहाँ भी बो रखा है मैंने। हाय सबको, बाय। कान नहीं सुनती है ना मेरी पुनी, कान नहीं सुनती है तो हाय बाय कर रही है। अभी अंदर से उठ के आके धूप सेक रही है। एक आऊंगा पुनी, पुनी कान नहीं सुनती है मेरी पुनी। मुझे फूल बोना बहुत पसंद है, वैसे तो सबको पसंद होता होगा और मुझे तो ज़्यादा ही पसंद है फूल बोना। ये तो अंदर का फूल दिखा लिया मैंने, अब बाहर का फूल दिखाती हूँ। बाहर ये है मनी प्लांट, बाहर बो के तो पीला पीला पत्ता हो जाता है, अंदर बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ता हो रखा है, ये बाहर का तो पूरा पीला हो गया। ये खेत में मैंने गिलोय बो रखा है, ये दवाई भी हो जाता है। ये इतना बड़ा हो गया पौधा, चार पाँच महीना पहले बोया तो छत में पहुंच गया ऊपर। देखिए देखिए गाइस, मेरा फूल फूल। अभी सुबह सुबह धूप आ गई, धूप में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। ये देखिए गुड मॉर्निंग नंगनल जी, यहाँ देखिए धूप सेक रहे हो नंगनल जी। हाय नंगनल जी, देखिए क्या बढ़िया पौधा हो रखा है, गुस्से में हो आज, हाय तो कर दे, हाय कर दे यार। मेरी नंगनल जी गुस्से में है। नंगनल जी को
फोकस में आना पसंद नहीं है। ये ड्रेसना प्लांट है सफ़ेद वाला, और ये ड्रेसना का प्रजाति लाल वाला है, लाल पत्ता वाला है। अभी धूप से क्लियर नहीं दिख रहा है, देखिए देखिए पूरा पत्ता कितना पौधा हो रखा है। ये है प्लांट एरिका पाम, देखिए बहुत महीना हो गया इसको बोना, 5-6 महीना हो गया। अभी मैं घर गई थी और पानी देना थोड़ा लेट हो गया, इसको एक हफ्ते में एक बार पानी चाहिए। अभी थोड़ा सूखा सूखा है, रोज़ पानी देंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये भी बहुत बड़े पत्ता है, इसका पत्ता भी बहुत टाइट है और तना भी टाइट है, देखिए इसको भी हो गया बहुत महीना हो गया, लगभग साथ साथ ही बोया ये फूल दोनों, 100 पीस है दोनों। इंडोर प्लांट है वैसा तो, मैंने कभी बाहर रखती हूँ कभी अंदर रखती हूँ। ये पौधा है मॉन्स्टेरिया, ये बड़े पत्ता और तना भी बड़ा है और इसका जड़ बढ़िया ढंग से 100 पीस टाइप का ऐसी सांप की तरफ घूम जाता है ये चारों तरफ, देखिए। ये है स्नेक प्लांट, मैंने कटिंग करके बो रखा है, 2-3 महीना हो गया कटिंग करके बोया और इधर उधर से सब ये पौधा निकल के आ रहा है, 5-6 महीना बाद तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये फूल तो सूख गया, ये पोरोटुला फूल है प्लांट है, ये कलिया रखा है, अब फूल खिलेगा तो बहुत अच्छा खिलेगा, बहुत अच्छा पिंक कलर का खिल जाता है। ये है ड्रेसिना, ड्रेसिना 100 पीस है, इसका कटिंग भी लग जाता है और कटिंग लगाएंगे तो थोड़ी दिन में बड़ा हो जाता है। ये ड्रेसिना पौधा है 100 पीस है ये भी, और ड्रेसिना का प्रजाति ये है कुबेर बासु। इसको बोने में अंदर बोने में शुभ माना जाता है, ये देखिए है तो ड्रेसिना है लेकिन ये ड्रेसिना छोटा पत्ता वाला है, ये कुबेर बासु थोड़ा सा बड़ा पत्ता वाला है। ये फूल खिल रखा है बहुत अच्छा, और ये है लिली प्लांट। इससे पहले वीडियो में बता रखा था मैंने, और ये लिली प्लांट है, मैंने ये बरेली से लाया, और ये फूल थोड़ा महंगा है। इससे पहले भी फूल खिल रखा था, सारा फूल वो खिला वाला सारा सूख गया, मैंने कटिंग कर दिया। अभी ये यह फूल खिलने कली है, फूल खिल जाएगा बहुत अच्छा, व्हाइट वाला फूल आ जाता है। एक पौधा लाया था मैंने 250 रुपया में, मैंने पहले वीडियो में बता रखा था। अभी तो बहुत सारा फूल हो गया, मतलब बहुत सारा पौधा हो गया, ये 6-7 पौधा हो रखा है। इसको बोने में अच्छा भी लगता है और फायदा भी होता है। और देखिए ये 100 पीस फूल है, ज़्यादातर मैंने 100 पीस पो रखा है। ये है, इसका बहुत बड़ा गांठ हो जाता है नीचे, और एक ही जड़ है इसका, टेनी नहीं लगता है, जड़ लगता है, पोनीटेल पौधा है ये। इसको भी हो गया 6-7 महीना हो गया। ये है मोरपंखी, मोरपंखी के साथ साथ ही मैंने स्नेक पौधा भी ये डाल रखा है, एक बड़ा हो गया तो 2 पौधा साथ ही लगाने में डिस्टर्ब हो जाता है, दूसरा गमला लागे फिर बोएंगे दूसरे गमले में। ये भी पोनीटेल पंप है, मैंने कटिंग किया, थोड़ा पत्ता सूख गया था तो मैंने कटिंग कर दिया, अब हरे हरे पत्ता आ रहा है, ये इतना लंबा हो गया था, जो सूखा पत्ता था मैंने काट दिया। ये है रियो प्लांट है, रियो प्लांट है, देखने में बहुत बढ़िया
दिखता है। और ये पत्ता भी बहुत अच्छे दिख रहा है। और एक पौधा लगाओ तो बहुत पौधा बन जाता है इसमें। देखिए ये है जेब्रा टैक्टस के तरह है ये। ये जीप जैसा भी दिख रहा है। इसका नाम है जेब्रा टैक्टस। और फूल खिला है यहाँ। सारा पत्ता निकल गया, एक ही पत्ता बचा है। जाड़ा से ठंडा से ये पत्ता निकल जाता है। सब प्रोटीन है, प्रोटीन पौधा है ये। एक ही पत्ता बचा है। ये है बीबी डॉल, ये अच्छा लग रहा है। बीबी डॉल ये कटिंग से लग जाते हैं, बहुत बढ़िया हो रखा है। ये है मोर पंखी, सारा सूख गया। मैंने गेट लगा रखा है दोनों साइड गेट में। पुनी, मेरी पुनी कैसी बैठी है, धूप सेक रही है। पुनी हाय। गाइस एक फूल शोपीस वाला बताना भूल गई मैं। ये टोकरी में लगा रखा है। ये है ब्रोस्टाइल पौधा है। एक पौधा बो तो इसमें केले की तरफ बहुत अच्छा आ जाता है। इधर का सीन भी देखिए, आहा धूप आके कितना बढ़िया हो रखा है। सीन बहुत बढ़िया दिख रहा है। सीन सबको धूप सेकने का मन हो रहा होगा अभी तो। देखिए देखिए मेरा फूल, देखिए अम्ब्रेला प्लांट है ये। देखिए अम्ब्रेला प्लांट बहुत अच्छा दिख रहा है। ये बीबी डॉल प्लांट है, कांटा वाला। इसमें अभी कली आ रहा है, एक ही फूल खिल रखा है। देखिए कनेर का फूल, देखिए खेत पर बोते तो बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। सो पीस के लिए मैंने गमला में बो रखा है। ये है सदाबहार फूल। ये फूल सदाबहार हो जाता है हर समय, ठंडे में गर्मी में हर समय। ये है तुलसी का पौधा, ये भी है सदाबहार। अभी फूल नहीं खिला है इसमें। ये है स्नेक प्लांट, ये एलोवेरिया अभी छोटा सा है, बहुत बढ़िया दवाई होता है ये। ये फूल है गेट वाला, हमने जब मकान बनाया तब से बो रखा है, ऊपर छत में पहुंच गया। बहुत अच्छा दिख रहा है। गेट में फूल बोनेंगे तो अच्छा भी लगता है। इसका नाम है बगनवेल, बहुत अच्छा लगता है। अब सारे फूल का नाम तो बता दिया मैंने, कुछ कुछ बचा है। अभी वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है। ये देखिए शोपीस, ये है लिली प्लांट, कटिंग से लग जाता है ये भी। गेट वाला फूल ये है, गेट वाला शोपीस।
स्पाइडर प्लांट है, ये अच्छा लगता है। एक टेनी वो तो ये इतना सारा घना आ जाता है। ये नंगनल जी को फोकस में आना अच्छा नहीं लगता है, मैं नंगनल जी के पीछे पीछे जा रही हूँ। हेलो नंगनल जी, किसमिस टुडे। देखिए मेरा गार्डन, गार्डन खाली खाली लग रहा है। मैंने दुबो को रखा है इसमें, बड़ा होगा तो अच्छा लगेगा। देखिए मैंने गमले में भी लगा रखा है, जब टाइम मिलता तो छोटे छोटे गमले में छोटे छोटे पौधा बोना अच्छा भी लगता है और टाइम पास भी हो जाता है। मैं ऐसे काम में लगी रहती हूँ, फूल बोने से दिल को सुकून मिलता है और सुबह सुबह फूल देखेंगे तो अच्छा भी लगता है। मैंने इस वीडियो में बहुत ऐसा अच्छा लगता है कह दिया, किसी का कुछ आदत होता ना। मेरा ऐसा आदत है कि लगता है ऐसा होता है गाना, किसी को तो बोर हो रहा होगा मेरे वीडियो देख के। देखिए ये मैंने बहुत जगह बो रखा है, स्पाइट प्लांट बहुत बो रखा है, बोतल में बो रखा है, यहाँ भी बोतल में बो रखा है, यहाँ भी और वहाँ भी, यहाँ भी। ये आप लोग भी ऐसे बो एक प्लांट का बहुत सारा प्लांट हो जाता है। ये जर्किन कटिंग करके भी बो रखा है। ये देखिए मेरा वीडियो देख के आप लोग को बोर भी हो जाओगे आप लोग, मैंने बहुत लंबा वीडियो बना रखा है। इस बार छोटे छोटे शॉर्ट में वीडियो बनाया तो लंबा वीडियो नहीं बना रखा था, लॉन्ग वीडियो आज बना रही हूँ। आज मुझे टाइम मिला सुबह सुबह इसलिए लॉन्ग वीडियो बनाया। और आप लोग को पसंद आ गया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट मारना, कैसा लग रहा है मेरा फूलों को, कैसा लग रहा है हमारा मेरा फूलों को देख के। गाइस मुझे लॉन्ग वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, बहुत दिन से शॉर्ट वीडियो बना रही थी, आज थोड़ा सा टाइम मिला। सुबह सुबह मैं ये फूलों के साथ बात किया, फूलों का नाम बताया और नंगनल जी मेरे साथ में खड़े हैं। नंगनल जी को जल्दी हो रहा है अंदर जाने का और नंगनल जी काम करते रहते हैं, नीचे नीचे ऊपर ऊपर सीढ़ी में। गाइस मेरा वीडियो देखिए, आप लोगों को बोर भी हो गया होगा, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ऐसा किया वैसा किया करके। मुझे अपना मेहनत शेयर करने का अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बना दिया। गाइस दूसरा ब्लॉग में मिलेंगे और पसंद आ गया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब। ओके दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे।